সিনিয়র আছেন অনেক জোরো কা সালতেরা বসে এখানে আছেন অনেকগুলো স্যার কেউ যাবেন আমি একা যাব দাঁড়ান দাঁড়ান ঠিক আছে লেটিং মিলাও দাঁড়ান চলো অপারেশন অপারেশন মোহাম্মদ সেলিম আছে মোহাম্মদ সেলিম আপনি গুলি পাড়ি চেনে না অপারেশন এক্সকিউজ মি ইউ আর টিএমসি দাঁড়ান ওয়ান সেকেন্ড অফিসার গুলি পাড়ি অপারেশন পাড়ি আছে স্যার স্যার বলতে চাইছেন স্যার ওয়ান সেকেন্ড স্যার ইজ সেলিম স্যার মোহাম্মদ সেলিম স্যার স্যার নাম কি দিন আমাকে মোহাম্মদ সেলিম স্যার দিন আমাকে আর সঙ্গে আছেন दारोवान अभी रेस्क्यूड नहीं है, उनको जल्दी से रेस्क्यू किया जाए। हम पहले चाहते हैं कि जो गलती हुआ है वो मटिया बुरुज गार्डन रिच बनर्जी बगान लेन अदान मुल्ला लेन के नाम से जाना जाता है। 17 तारीख की सब तकरीबन 11:40 में 5 मंजिला इमारत जो अंडर कंस्ट्रक्शन था ज़मीन बोश हो गया, जिसमें मजमूई तौर पर पुलिस जराये से मिली खबर के मुताबिक 10 लोगों की मौत और तकरीबन 17 घायल हुए हैं। सोमवार को 9:10 में ममता बनर्जी दौरा करने पहुंची थी और हालात का जायज़ा भी लिया। उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जाए वकूल से मुआयना करने के बाद वो अस्पताल पहुंची और जख्मी लोगों की आयादत के लिए उन्हें पुरसा भी दिया। उन्होंने एक ऐलान भी किया कि जो जख्मी हैं उन्हें 1,00,000 और जिनकी मौत हो गई है उन्हें तकरीबन 5,00,000 रुपये घर वालों को दिए जाएंगे। इस मौके पर गवर्नर सीवी आनंद बोस भी जायवकी पर पहुंचे और उन्होंने 50,000 लोग जो इस हादसे में मारे गए हैं उन्हें देने की बात कही। ये रकम गवर्नर रिलीफ फंड से अदा किया जाएगा, जबकि ममता बनर्जी रिलीफ फंड से ये रकम जो 5,00,000 मरने वालों और 1,00,000 जख्मी होने वालों को देने की बात कही गई है। बीजेपी लीडर ने ममता के इस ऐलान को जाब्ते के खिलाफ कानून शिकने की बात कही है, क्योंकि इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो चुका है, जबकि अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मरने वाले को कम से कम 50,00,000 देने होंगे एक एक शख्स को जो मारा गया है। अब तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। प्रोमोटर वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर 302, 307, 288, 427 और 34 IPC के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है और फिलहाल वो 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया है। इसका एक पार्टनर भी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी तलाश जारी है। इसके अलावा जो मालिक था इस बाड़ी का उसे भी पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है।
अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना बाकी है। गैर कानूनी जेर तामीर इमारत जो 5 मंजिला थी वो एक वेटलैंड में थी, मतलब तालाब की ज़मीन थी, यानी तालाब को भरकर 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी, जबकि तालाब पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता, ना ही तालाब को भरा जा सकता है। ये फिशरी डिपार्टमेंट के हिदायत के मुताबिक काम होता है। इतना बड़ा काम रातों रात नहीं हुआ, 15 माह से यह काम चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि बुनियाद कमज़ोर होने से इमारत नहीं बनाई जा सकती। ये सिर्फ एक शख्स की गलती नहीं है, पूरे अमला की मिली भगत का नतीजा है। एमपी से है, पुलिस कॉरपोरेशन के अफसरान से भी बेहतर रहे होंगे जिनके नाक के नीचे ये गैर कानूनी इमारत का काम चल रहा था। कोलकाता में ऐसे ना जाने कितने गैर कानूनी तौर पर इमारत बनाए जा रहे हैं। अगर वसीम ने अपना मुंह खोल दिया तो ना जाने किन किन लीडरों को और पुलिस अफसरान का कॉरपोरेशन के अमले का नाम सामने आ जाए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कोलकाता में तकरीबन 800 से ज़ायद गैर कानूनी बिल्डिंग तामीर किए गए हैं। कमोबेश इस तरह के मौत से मरने के बाद हुकूमत मुआवजा देती है, लेकिन क्या इस हादसे को टाला जा सकता है? जिनकी जान चली गई इन्हें फिर वापस लाया जा सकता है? आखिर इन बेकसूरों का कसूर क्या था जिनकी जान चली गई? जब तक कोई हादसा नहीं होता ना तो हुकूमत हरकत में आती है और ना ही अपोजिशन के लीडरान, पुलिस और सिविल सोसाइटी के लोग। इस हादसे को टाला जा सकता था अगर वक्त पर ही इस इमारत के काम को रोक दिया जाता, लेकिन रिश्वतखोर भला कहाँ अपने आदत से बाज आते हैं। वो रिश्वत लेते हैं और काम इस तरह चलता रहता है। अगर रिश्वतखोरों को सलाखों के पीछे ना डाला जाए तो ना जाने इस तरह की कितनी इमारतें बने और लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सवाल ये पैदा होता कि इन्हें कौन रोकेगा? इनके ऊपर तो इन लीडरान का हाथ है जो एक ढलाई का लाखों रुपये प्रोमोटरों से वसूल करते हैं। अगर CBI और ED से इसका जाँच कराया जाए तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया रिपोर्टर इतने डरे सहमे हुए हैं कि ना तो काउंसलर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ना MLA और MP, जिनकी जिम्मेदारी है शहरियों को तहफ़ फराहम करना। दरअसल पैसा बोलता है, पैसा लेकर असलियत पर पर्दा डाल दिया जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि काउंसलर के नाक के नीचे कॉरपोरेशन के अफसरान की निगरानी में कन्वर्सन, म्यूटेशन, बिल्डिंग प्लान, सॉइल टेस्ट, फायर ब्रिगेड के NOC, फिशरी डिपार्टमेंट के NOC, NGT का NOC के अलावा दीगर डिपार्टमेंट के क्लियरेंस का इतना बड़ा काम घनी आबादी में मुकम्मल किया जाए? कॉरपोरेशन और काउंसलर के नाक के नीचे ये सब काम होता रहा और ना तो काउंसलर ने इसके लिए कुछ कहा और ना ही कॉरपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी समझी या उन इंजीनियरों ने अपनी जिम्मेदारी समझी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस तरह के कामों पर नज़र रखें। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें कौन सजा देगा? बहुत ज़्यादा होगा शोकोच किया जाएगा या फिर इनको टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन इससे क्या जो लोग मारे जा चुके हैं वो जिंदा वापस लौट आएंगे? ममता बनर्जी ने इखलाकन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मरने वाले के घर वालों को 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या इन्हें गैर कानूनी कामों पर रोक नहीं लगा सकती? जबकि पुलिस महकमे के कलमदान भी वो अपने पास रखती हैं। फरहाद हकीम कोलकाता के मेयर हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के MMRC भी हैं, बगैर इनके साइन के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे में इस तरह की लापरवाही क्या माने रखती है? क्या इस मामले में 134 नंबर वार्ड के काउंसलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर सकते हैं? मीडिया को इजाज़त नहीं कि वो इलाकाई लोगों से सवाल जवाब करे। क्या यही जमहूरियत है? आखिर हम किस जमहूरियत में ऐसे में हम अपने मुल्क की तरक्की या इलाके की तरक्की कैसे कर पाएंगे? जो कुछ भी हुआ वो बेहद दर्दनाक अफसोसनाक वाकया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जायवाकू पर पहुँचे, उन्होंने मामला को समझा। फरहाद हकीम और सुजीत बोस भी जायवाकू पहुँचे। माला राय, ममता बनर्जी सब वहाँ पहुँचे, सबों ने देखा कि क्या मामला है, लेकिन किसी ने भी ये जिम्मेदारी नहीं ली कि आखिर इसका असल जिम्मेदार कौन है।
एक तरफ देखा गया कि फरहाद हकीम ने काउंसलर को बचाने की कोशिश की, उन्होंने एक बयान भी दिया कि ये काउंसलर की जिम्मेदारी नहीं है। तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है? अगर ये काउंसलर की जिम्मेदारी नहीं तो कॉरपोरेशन इतने सारे रिक्वायरमेंट क्यों लगाए रखता है कि आपको घर बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा, NOC लेना होगा, प्लान पास करवाना होगा, तो बगैर सब कुछ देखे ये सब कुछ कैसे हो गया? जो भी हो, ये मामला बहुत ही संगीन है। अगर इस तरह के बिल्डिंगें शहर में बनते रहें और ख़ासतौर से झोपड़पट्टी इलाके में, तो नुकसान किसका होगा? जो भी नुकसान हुआ है, 10 लोग मारे गए हैं, ये मामूली बात नहीं है। एक लोगों के मारे जाने से पूरे सियासी पार्टी जो है उथल पुथल मचा देती है, लेकिन यहाँ पे 10 लोग मारे गए हैं। इलेक्शन का भी वक्त है, ऐसे में सियासी लोग ज़रूर हाथ सेकने का काम करेंगे, उनको एक मौका भी मिल गया है। लेकिन जो काम हो रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन, हाई कोर्ट उस पर रोक क्यों नहीं लगा रही है? कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी क्या है? हम टैक्स देते हैं, हमारी सहूलत के लिए सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें वो सहूलतें नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जहां फरहाद हकीम और शमशेर इकबाल पर को कड़घड़े में खड़ा कर रहे हैं, वहीं पे अधीर रंजन चौधरी भी फरहाद हकीम से कहा है कि उन्हें अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो क्या पोस्ट से इस्तीफ़ा देने से मसले का हल हो जाएगा? ख्वाह कोई भी पार्टी हो, किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों पर वो ख़ास नज़र रखे और लोगों की जान की हिफाजत करें। अगर वो आप ये महसूस करें कि अगर वो बिल्डिंग तैयार रहती और वहाँ पे लोग आकर बसते तो कम से कम 100-150 लोग मारे जाते, क्योंकि 500 स्क्वायर फीट करके 5 मंजिला बनाए गए हैं, जिसमें एक फ्लोर पे 4 टेनेंट बसाए जा सकते हैं। तो ऐसे में जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है, और इसकी छानबीन CBI से कराकर उन मुजरिमों तक पहुंचना है जिन लोगों ने रिश्वत लेकर ये काम किया है, और जिसका खमियाजा उन गरीब मुस्लिम लोगों को भुगतना पड़ा है, उन गरीबों को भुगतना पड़ा है जिनका पुरान हाल अब इस वक्त कोई नहीं है। न जाने कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं। यहाँ पे 2 मज़दूर ग्वाल पाड़ा के रहने वाले हैं जो मारे गए हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। वो सो रहे थे 3 मंजिला इमारत में और उसी वक्त धड़ाम से इमारत ढह गई, जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आखिर मटेरियल में कहाँ कमी की गई थी? जाहिर सी बात है कि मटेरियल में कमी की गई थी, कम पैसे के मटेरियल लगाए गए थे, कम पैसे के सीमेंट, ख़राब सीमेंट, ख़राब रॉड दिए गए थे, जिसके वजह से ये मामला हुआ। या फिर वो ज़मीन जो दलदल तालाब की ज़मीन थी और दलदल थी, तो इस तरह से बुनियाद नहीं डाला गया था, और आखिर में छत का पूरा भार ना लेकर वो इमारत रातों रात देखते देखते ढह गया। अच्छा हुआ कि उसमें बहुत सारे लोग आकर शिफ्ट नहीं हुए थे, अगर शिफ्ट होते तो कोहराम मच जाता और कम से कम 100 से ज़ायद लोग मारे जाते। ऐसे में पुलिस को भी चाहिए कि वो इन सब चीज़ों पर नज़र रखें, और कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें और शहरियों के लिए ऐसी जगह में इस तरह के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ना होने दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता के बहुत से ऐसे वार्ड में इस तरह के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अगर इसको बंद ना किया गया तो कलकत्ता एक दिन जहन्नम में बदल जाएगा, और ना जाने कितने लोग दूसरों के लालच का शिकार होकर अपनी जान गंवाने पे। तो रिश्वतखोरों को सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी छानबीन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए CBI से। करके बच गया भाई।
बदन का बॉडी का कहले गए ठंडा करा बॉडी का ये बता रहा था सर आप बोल रहा है हां हां होश में है होश में उठाना गोदी ए गोदी तो उठा का बचा 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 वो लड़का बे देख अच्छी ब्याह का लड़का यार देख नहीं इसको और आदमी नहीं है ना वहाँ अंदर में नीचे और आदमी अंदर में नहीं है ना रूम के अंदर में कोई आदमी जोधा सब निकल गया ना भाई डॉक्टर पास निकलिए माँ आराम से या ख्वाजा जी या और कोई है और कोई है घर को बच्चा है या बड़ी औरत है घर को बच्चा है या बड़ी औरत है अभी जिसमें तीन लोग रहता था वही अंदर में बाड़ी में आदमी रहता था कि बंद था बोला बाड़ी का आदमी वहाँ पर बैठा बाड़ी का आदमी को निकालना जरूरी है
अभी जिस पे लोग राज्य